हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है उपमा। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, एक बारीक कटा प्याज, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक मध्यम आकार की गाजर बारीक कटी हुई, एक चौथाई कप फ्रोजन मटर, एक चम्मच नींबू का रस, थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हुई, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 7 से 8 कड़ी पत्ता, साथ ही आधा चम्मच ज़ीरा, एक चम्मच सरसों, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच उड़द धुली दाल, नमक आपके स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच चीनी और 2 चम्मच ऑयल। सबसे पहले हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उसके बाद उसकी हीट को थोड़ा स्लो कर उसमें सूजी डालकर उसको भूनना है। हमने आंच को हमने लो टू मीडियम पे ही रखना है, तेज आंच पे हमने सूजी नहीं भूननी है, नहीं तो वो सूजी भुनेगी नहीं, बस जल जाएगी। धीरे धीरे हम इसे हिलाते रहेंगे। सूजी भुनने में हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। सूजी को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ही इसका कलर चेंज करना है। अब इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन को हम साफ कर लेंगे और इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। क्योंकि पैन हमारा अभी गर्म ही था और इसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है तो वो भी गर्म हो गया है। अब इस गर्म ऑयल में हम ज़ीरा और सरसों ऐड कर देंगे। देखिए हमारा ज़ीरा भुनना शुरू हो गया है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और अदरक को भी ऐड कर देंगे, साथ ही में उड़द की दाल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर इनको थोड़ी देर भूनेंगे। बस 1 मिनट में ही आपका ये तड़का भुन जाएगा। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे, उनको भी अच्छे से मिक्स कर हमने फ्राई करना है। लेकिन प्याज का यहाँ हमने कलर चेंज नहीं करना, हमने उन्हें ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। जब तक कि प्याज भुन रहे हैं तब तक हम दूसरी साइड उपमा के लिए पानी गर्म करेंगे। तो जिस कटोरी से या बाउल से आपने सूजी नापी थी उसी कटोरी से आप 3 गुना पानी ले लेंगे, यानी कि जितनी आपने सूजी ली थी उससे 3 गुना पानी आप ऐड कर लें एक पैन में और उसको गर्म करने के लिए रख दें। यह हमारा प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो गया है तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी हम थोड़ा भून लेंगे प्याज के साथ। अब हम इसमें अपनी बाकी की वेजिटेबल्स डाल लेंगे। यहाँ हमने गाजर ऐड कर दी है इसमें और साथ ही में मटर। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ी देर इनको गैस पे आपने पकाना है, आंच यहाँ मीडियम रख सकते हैं। साथ ही में मैंने ऐड कर लिया है इसमें लाल मिर्ची का पाउडर,
नमक, थोड़ी सी चीनी, इसमें थोड़ा सा पानी यानी कि 1/4 कप आप पानी लेकर इसमें डाल दें। अच्छे से इसको मिक्स करें और इसको ढक के पकने दें ताकि जो हमारी कच्ची सब्जियां हैं वो हल्की सी पक जाए। 2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। लगभग 2 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी बचा है जिसको हम तेज आंच कर सुखा लेंगे। अब हमारा सारा पानी सूख गया है, अब हम इसमें सूजी को ऐड कर लेंगे। आँच हम थोड़ा स्लो कर देंगे और सूजी को सारी वेजिटेबल के साथ अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब जो पानी हमने गर्म किया था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करें और इस स्टेज पे चाहें तो आप इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इस स्टेज के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचेगा नमक ऐड करने का उपमा में। मैं दोबारा से अच्छा सा इसे मिक्स दूँगी और इसको ढक कर लगभग 3 से 4 मिनट बिल्कुल सिम आँच पर पकने दूँगी। देखिए, अब हमारा उपमा रेडी है। ये एकदम सॉफ्ट बना है और साथ ही खिला खिला भी है। अब सबसे लास्ट में हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। इसको एक बार मिक्स करेंगे एंड इट्स रेडी। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ली है और उसके अंदर अच्छे से मैं उपमा को भर दूंगी। एक प्लेट लेकर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ऊपर से हल्का सा आप पैट कर दीजिएगा। ये देखिए, हमारा उपमा आसानी से निकल गया है। हमारा उपमा एकदम रेडी है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।